अस्सलाम वालेकुम मैं हूं जुबैर खान और आज मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर अख्तर भाई सिकंदर अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब आज हम मौजूद हैं कहां पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा मैं इतना इनके बोलने पे फैन हूं आज इन्हीं से बुलवाएंगे सिर्फ तो जी सिकंदर भाई हम आ, आज आज हमारे देखने वालों सुनने वालों अस्सलाम और हम आज यहाँ खड़े हुए हैं बुर्ज जिना की साइड पे जो कि मलीर जिना एवेन्यू मलिर कैंड की भी एक मतलब मलिर कैंड इट्सल्व एक मशहूर एरिया है और उसके अंदर भी एक फेमस सोसाइटी है जो कि है ब्रिगेडियर कॉलोनी उसके बिल्कुल फ्रंट पे फ्रंट पे नीपा कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी उसके कमर्शियल पट्टी पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इस प्रोजेक्ट को बुर्ज अलजिना कहते हैं बुर्ज अलजिना आप लोग क्योंकि बेहतर समझते होंगे बुर्ज अल खलीफा दुबई का बड़ा मशहूर है उसको जहन में रखते हुए कि बुर्ज कहते हैं ऊँचाई को क्योंकि ऊंचा प्रोजेक्ट है मतलब ऊंचाई पर होगा तो इसलिए इसका नाम क्योंकि इस रोड का नाम जिना एवेन्यू है तो इसलिए इसका नाम इस प्रोजेक्ट का नाम बुर्ज जिना रखा गया तो ये एक अपने लेवल का यूनिक प्रोजेक्ट है जो कि इस एरिया में आप स्कीम तैंतीस क्योंकि ये एरिया स्कीम तैंतीस में लगता है इसके क्योंकि नीपा कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी स्कीम तैंतीस का पार्ट है और ये लैंड जो है वो कंटोनमेंट की लैंड है ये जिस लैंड पे ये बनने जा रहा है और लीज़ है और सारे नक्शे अप्रूव्ड हैं इसके अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली थ्री टू बेड डी डी थ्री बेड डी डी थ्री बेड डी डी की भी तीन कैटेगरीज हैं यहाँ पे और पेंट हाउस मौजूद है पेंट हाउस बहुत मतलब ज़रा क्योंकि एक लग्जरी फ्लैट है मतलब मैं, मैं इसको पर्सनली मैं इसको तशरी करता हूँ इससे कि ये एक क्रिक विस्ता लेवल का क्रिक विस्ता अगर आपने डी एच ए में देखा हो क्योंकि वो इस टाइम सिम्बल है लिविंग का कि आपको इस तरह की अगर आपको बहुत ही अच्छी लिविंग लेनी हो तो आप क्रिक विस्ता की तरफ चले जाएं अगर आपके पास बहुत पैसे आ गए तो उस लेवल की अम्यूनिटीज़ यहाँ पे मिलने जा रही हैं है। और वहाँ हर, एक चीज़, होता वहां हर पर, चीज़ आपको काउंटर होगा आपके डोर स्टेप पे आपके घर पे आपको आपका सर्वेंट आपकी मेड आपकी लॉन्ड्री आपकी जो भी आपके डे टू डे आपकी जो घर में जो काम होते हैं वो आपको बुर्ज अलजिना की मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी उसकी एक हो मेंटेनेंस चार्जेस होंगे लेकिन आपको हर सर्विस इवन ड्राइवर हजरात आप बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ड्राइवर मिले हुए हैं उनके लिए नीचे एक रूम्स बने हुए होंगे जो कि ड्राइवर उसके अंदर जो है ठहर सकते हैं मतलब रह सकते हैं आप उनसे रूम ले सकते हैं आपको अपने घर में लाने की किसी को ज़रूरत नहीं है आपकी सारी चीज़ें माँ होंगी सर्वेंट अपार्टमेंट बने हुए होंगे तो एक ये है दूसरा चार फ्लोर तो पार्किंग है इसकी चार फ्लोर और नीचे जो है वैन लोन ब्रांडेड लोग आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे किसी अननोन लोगों को शॉप्स या यहाँ पे शोरूम्स नहीं दिए जाएंगे छः शोरूम्स हैं इसके अंदर जो कि उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि वैन लोन ब्रांड है मतलब जैसे बड़ा गुल अहमद है या और भी बहुत सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको ये दिए जाएंगे हाँ बिल्कुल उनको मतलब ऐसी जिससे प्रोजेक्ट की और इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो ना कि वहाँ पे कचरा जमा हो जाए और एक रश्म लगने लगे लेकिन अच्छा इस और प्रोजेक्ट की खूबसूरती है कि इसकी इंट्रेंस और एग्ज़िट दोनों अलग अलग हैं अच्छा ये पैटर्न यूज़ होता है दुबई के अंदर कराची में यूज़ नहीं होता कराची में एंट्री और एग्ज़िट एक ही होती है इसके अंदर जो है इन्होंने पहली दफ़ा जो है दुबई को फॉलो करते हुए एंट्री लोगों की जो गाड़ियाँ होंगी उसकी एंट्रेंस की का रास्ता अलग रखा है और एग्जिट का रास्ता बिल्कुल अलग ट्रैफिक फ्लो जो है वो अलग अलग रख अलग अलग, मतलब अलग रखा है अभी तो कभी उसे... भी मतलब फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता है कि दो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाए मतलब फ्लो भी एक मेंटेन रहेगा मतलब किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा और सेकेंड सेकेंड ये कि आर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो बैरियर जो लगे हुए होंगे जो भी यहाँ के रेजिडेंट होंगे उनको एक बार कोड इशू हो जाएगा जो उनकी गाड़ी पे लग जाएगा वो बैरियर ऑटोमेटिक जैसी आपकी गाड़ी इंटर होगी वो ऑटोमेटिक जो कैमरा लगा होगा वो रीड करेगा और बार कोड को और गाड़ी को एंट्री मिल जाएगी जाएगा ट्रैकिंग सिस्टम आपकी आया गाड़ी आया को आपको पहचाना जाएगा आपकी अप्रूव गाड़ी होगी उस गाड़ी में आप आराम से हो जाएंगे आपको किसी चीज की भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं बिल्कुल बिल्कुल और टू बाई टी डी अच्छा वन बेल्ड अपार्टमेंट है वन अपार्टमेंट कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग का फ्रंट भी आपका और बैक भी आपका आपके घर के पीछे किसी का घर नहीं है मतलब आपने सोसाइटी के चारों तरफ झाँकना है मतलब क्योंकि इस इस प्लॉट की खूबसूरती ये है कि इसके चारों तरफ डबल रोड है इस इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खूबी है कि इसकी जो बैक साइड है उस पर एक सौ बीस गज के बेंगलो हैं फिर डबल रोड है फिर हमारा प्रोजेक्ट है फिर उसकी फ्रंट पे तो फ्रंट पे तो बड़ा रोड जा रहा है जिना एवेन्यू का अच्छा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ पे डबल रोड जा रहा है और इसके बराबर में भी बैंगलोज की सोसाइटी है तो इसकी तकरीबन कोई डेढ़ दो किलोमीटर की सराउंडिंग में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं आने वाली तो आपका ईस्ट ओपन घर मिले आपको या वेस्ट ओपन मिले सारा ही अच्छा है क्योंकि क्योंकि आपने चारों तरफ ही देखना है आपके ऐसा नहीं है कि आप आपकी ठोक रहे हैं तो ए... पीछे वाली दीवार से आवाज आ रही है कि मत ठोके भाई ऐसा नहीं है पीछे भी आप ही कह है रहे हैं आगे भी आप ही रहे हैं अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत से लोग शौकीन होते हैं शौक रखते हैं कि हमारा घर सबसे टॉप वाले फ्लोर पे होना चाहिए हाईएस्ट तो हाइस्ट के बारे में भी आपने बताया है, बुर्ज है हाइस्ट में सबसे ज़्यादा पहला प्रोजेक्ट होगा जो जिना एवेन्यू पे जो सबसे हाइस्ट होगा हाँ, इस एरिया की तो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी ये और खूबसूरती है कि जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आप ये लाइन जीने में जाके बना लें तो इतने का थोड़ी बिकेगा ये उस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है जेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है लोग वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं इस एरिया के तो मैं हम लोग तो इस एरिया को डिफेंस बोलते हैं कि आने वाले दिनों में अगर डिफेंस के लेवल का कोई एरिया होगा तो वो भी नहीं होगा आप जो इश्यूज़ वगैरह जो लोगों के इधर उधर आते रहते हैं वो एक अलग अलग चीज़ है लेकिन ये जो बिल्डर हैं एस एम एस एम स्कूल वालों का नाम कराची में सब जानते हैं आठ ब्रांचें हैं इनकी एक कोई फिफ्टी ईयर्स से तो डिलीवर कर रहे हैं एजुकेशन लोगों को उनका प्रोजेक्ट है ये एस एम बिल्डर एंड डेवलपर तो ये कमिटेड है एज अ बिल्डर पहला प्रोजेक्ट है तो ये कमिटमेंट के साथ हैं कि हम अपनी एक लेगेसी क्रिएट करेंगे आज अप, हम अपने इस प्रोजेक्ट को सिंबल बनाएंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तो एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो इसलिए क्योंकि आपको मालूम है जब भी आप कोई काम पहली दफ़ा करते हैं तो आपकी आपकी पूरी कोशिश होती है कि वो काम सबसे अच्छा हो सेकंड टाइम उस काम में कुछ कमी रह सकती है फोर्थ टाइम रह सकती है लेकिन फर्स्ट टाइम आपकी पूरी मेहनत होगी उसके ऊपर पूरा फोकस होगा पूरी स्टडी होगी कि इस इस प्रोजेक्ट को बहुत या इस काम को सबसे अच्छा किया जाए तो इसी तरह है कि ये कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं कि हमने पहला प्रोजेक्ट बनाना है तो बहुत अच्छा बनाना है तो दूसरा ये आपने कभी बायोमेट्रिक डोर्स नहीं सुने होंगे घरों में कि लोगों ने घरों में बैंकों में देखा होगा आपने बैंक में जाते हैं तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी हाँ वो आपको घर में लगा के दे रहे हैं आपको गूगल वॉइस ओवर लगा के दे रहे हैं आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं आपको अगर आप लाइट ऑन करनी है टीवी ऑन करना है तो आपकी वॉइस उसमें दे दी जाएगी गूगल वॉइस ओवर में तो आप वॉइस देंगे आपके टीवी लाइटें टीवी वी लॉन्च में और ड्राइंग रूम में नॉर्मल रूम में नहीं दे रहे हैं बच्चों की वजह से लेकिन इन जगहों पर दे रहे हैं स्टडी रूम मौजूद है सिटीजन लॉन्च मौजूद है स्विमिंग पूल मौजूद है इम्यूनिटीज़ के वाले से बात कर रहा हूँ कि तो हाई टेक टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अंदर दी जा रही हैं आपको आपको घर से सिर्फ जॉब करने या बिजनेस करने के लिए निकलना पड़ेगा इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना सारे काम आपको अंदर मिलेंगे सारी फैसिलिटीज़ आपको अंदर मिलेंगी अच्छा कोई ऐसा भी नहीं है कि एक बंदा स्विमिंग पूल नहीं अवेल करना चाह रहा तो कोई बाय फोर्स नहीं है कि वो अवेल कर ले बस ठीक है उसके उसके जो मेंटेनेंस के चार्जेस होंगे वो कम हो जाएंगे ओके okay. क्योंकि सारी चीज़ें मेंटेन करेगा बुर्ज अलजना की मैनेजमेंट मैनेज करेगी वो सारी चीज़ें मैनेज करके देगी अगर आपको हाईटेक के बारे में मैं अभी दोबारा पूछूंगा हाई टेक्नोलॉजी जो बुर्ज अलजिना हमें सर्विस अपार्टमेंट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं हुँ. तो उसमें आपने जैसे बताया कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो एक हाई टेक्नोलॉजी के जरिए अप्रूव होकर अंदर आ जाएंगी तो अगर जैसे आप मैं दोबारा आपको इस पर फोकस करवा रहा हूँ तो क्या ये इंट्रेंस और अपने घर के इंट्रेंस पे भी कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी फेस रिग्नाइजेशन या बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह की जयोमेट्रिको जो डोर्स डौ, हैं आपने बैंकों में जब भी गए हो तो आपने देखा होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश रखा हुआ होता है वहाँ तो पे बायोमेट्रिक बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है लॉक लगा हुआ होता है जिस पे आप थम देते हैं या कोड देते हैं तो वो ऑन हो वो दरवाज़ा खुल जाता है तो वो डोर आपका मेन डोर जो आपके अपार्टमेंट का होगा उस पर वो बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ होगा जिससे आप कोड दे सकते हैं कार्ड स्वैप कर सकते हैं या आप थम बायोमेट्रिक थम दे के अपने घर को आ, मतलब लॉक को अनलॉक कर, सकते हैं, कर सकते, सकते हैं ये तो है। बाकी सारी चीज़ अम्यूनिटीज़ जो जो हम सोचते हैं वो सारी चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर प्ले एरिया बच्चों के लिए मिल रहा है वहाँ पर और क्या नाम है नीचे ही नीचे सारे बड़े शोरूम बैठे हुए होंगे अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है बिल्डर बहुत अच्छा है तो आप जो है वो हमारे हज़रा जो बाहर बैठे हुए हैं बाहर मुल्कों में फॉरनर्स पाकिस्तानी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट का बड़ा राइट right टाइम है क्योंकि वो वहाँ वहाँ पर बैठ के डरते रहते हैं कि हमारे पैसे कोई ना खा जाए तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि वो इस प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्टमेंट करें और अपने कैपिटल को गेन भी करें और सिक्योर भी करें तो सिक्योर भी होगा अच्छा सिकंदर भाई मैं इसमें ये पूछना चाहूँगा देखें हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल दि, दि, में बताया अच्छा यहाँ पर जो व्यवर्स हैं उनके जहन में सवाल होगा कि ये प्रोजेक्ट हमारे दरमियान डिलीवर कब होने जा रहा है तो जरा इसके बारे में अच्छा। बताइए अच्छा, और बुकिंग के हवाले से मैंने सुना है। एक मेगा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है हाँ बिल्कुल उसका भी बताइए बिल्कुल अब लेट सपोज इसका जो टू बी डीडी का अपार्टमेंट है टू बेड डीडी का अपार्टमेंट जो है वो उन्नीस पंद्रह सौ उन्नीस स्क्वायर फिट का है जो कि मैंने अभी तक टू बे डी में इतना बड़ा अपार्टमेंट नहीं देखा ज़्यादातर यहाँ पे 800, 900, 600, 700, छः इसी बीच टू बी डी के अपार्टमेंट होते हैं जो कि बता आप कमरे इतने छोटे होते हैं कि आप मतलब क्या कहूँ मैं लेकिन ये एक लग्जरी अपार्टमेंट है लग्जरी अपार्टमेंट में इसलिए इसको पंद्रह सौ स्क्वायर फीट पर बड़ा फ्लैट है वन बेल्ट फ्लैट है इसके टावर दोनों अलग हैं टू बाय डी के टावर ही अलग हैं कॉर्नर के दोनों टावर इसके हैं अगर आप अभी इन्होंने वीडियो इसकी बनाई है तो उसमें आप देखिएगा कि जो छोटे टावर कॉर्नर पर आ रहे हैं वो टू बाई डी के टावर हैं बिल्कुल सेपरेट रखा है उसको थ्री बाय डी से वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर जो लोग बहुत अच्छा ख्वाब देख रहे हैं कि हम हम अच्छी जगह पर रहेंगे जाके वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा है सिक्योर प्रोजेक्ट है आज के दौर में जहाँ पर इनलीगल 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 चल रहा है उस दौर में एक सिक्योर एंड सेफ प्रोजेक्ट है ये एस बी से एस बी सी ए से है अच्छा जरा मैं एक मादरत टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया है बस जरा ये लैंड के बारे में हमने हर एक चीज़ बता दी बुनियादी बात पर अगर हम चलते हैं कि ये ज़मीन की जरा डिटेल बताइए कि ये कहाँ से अप्रूव है और कौन सी उसके अथॉरिटीज़ में आते हैं अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि जो कंटोनमेंट का एरिया है कंटोनमेंट बेसिकली डील होता है फेडरल से फेडरल से जो चीज अप्रूव्ड होती है उसको एसबीसी अप्रूव होने की जरूरत नहीं है एसबीसी की अथॉरिटी, की जो लैंड है वो एस बी सी एस से अप्रूव्ड होती है तो वो इसको ये कंटोनमेंट से अप्रूव्ड है इसका मैप भी वहीं से अप्रूव्ड है और ये लैंड भी कंटोनमेंट की है इस के डी स्कीम तैंतीस के अदूत में है लेकिन ये लैंड जो है वो कंटोनमेंट की है कंटोनमेंट से सारे नक्शे अप्रूव्ड हैं इसके और क्योंकि कमर्शल है बाय बर्थ कमर्शल है जब भी ये सोसाइटी बनी थी नाइनटीन में तो उस टाइम जो भी इसका मैप कंटोनमेंट के पास गया था तो उसमें ये जगह कमर्शल अप्रूव थी उस टाइम से अप्रूव्ड है तो बाय बर्थ कमर्शियल इसीलिए कहते हैं जब आप किसी किसी भी ज़मीन के एरिया को कहते हैं ना कि ये बाय बर्थ कमर्शियल है तो कमर्शियल कहते हैं इसलिए कि जब ये पहली दफ़ा डिफाइन हुई तो उस टाइम इसके बारे में बताया गया कि ये एरिया कमर्शियल होगा सही। तो ये जब से कमर्शल है तो इसलिए एक लंबे टाइम से है चौ, चौबीस स्क्वायर यार्ड की ज़मीन है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और सिक्योर प्रोजेक्ट है बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बड़े मसले चल रहे हैं मार्केट के अंदर लोग डरे आते हैं जिना एवेन्यू एक एक प्रिस्टिस या एक हाई लेवल जेंट्री का एरिया था ये छोटी मोटी खबरों ने जो है उसको थोड़ा डैंड मारा है लेकिन ऐसा नहीं है ये अभी आज भी और आने वाले दिनों में भी एक अच्छा एरिया होगा चलिए बहुत 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 शुक्रिया आपका ऐसे ही रहिए मिलते रहिए यहाँ दीजिए जुबैर भाई को अपने इज़ात अपना ख्याल रखिएगा असल वरिकम